नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo EQOO Z3 5G वर्सेस Vivo T1 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो EQOO Z3 5G में 6.45 इंच जबकि T1 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो EQOO Z3 5G में 2.96 इंच जबकि T1 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो EQOO Z3 5G में 0.33 इंच जबकि T1 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो EQOO Z3 5G में 185.5 ग्राम्स जबकि T1 5G में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो EQOO Z3 5G में 84.7% जबकि T1 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो EQOO Z3 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और T1 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो EQOO Z3 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T1 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो EQOO Z3 5G में Adreno 620 जबकि T1 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो EQOO Z3 5G में Qualcomm Snapdragon 768G और T1 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो EQOO Z3 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि T1 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो EQOO Z3 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि T1 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो EQOO Z3 5G में Android V11 जबकि T1 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी EQOO Z3 5G में 4400 mAh जबकि T1 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो EQOO Z3 5G में 3 कलर्स जबकि T1 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो EQOO Z3 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,990 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T15G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,990 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांतन कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो वीवो एक्यू Z3 5G में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो T1 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में एक्यू Z3 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियल मैक्स 3 सुपर जूम एडिशन है, दूसरा रियलमी GT नियो है, तीसरा शाओमी रेडमी नोट 10 लाइट है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G51 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।